नमस्कार कशिश ठाकुर तुझे स्वागत है द लोकल रिपोर्टिंग में आज जी बदलाई खास खास खबर आज री दिहाड़ी निर्मला सीतारमण ने जम्मू में बड़े सारे प्रोजेक्ट करे स्कीम करी शुरुआत करी। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रे डीएसपी श्री अमन कुमार ठाकुर शौर्य चक्र दितो। नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर रो दौरा कर ले। जम्मू कश्मीरी डेवलपमेंट रे ले टैक्स रो एक एक पैस रो इस्तेमाल बोलो। अमर अब्दुल्ले जो की आ स्लोगन करे अधिकार ले शांति से लड़ ले उन्हें सुना बस्तारे से ही। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बड़े सारे प्रोजेक्ट करे स्कीम जंत्र तेजस्वनी शैखार शैखारा करी शुरुआत करी। तड़ी एलजी मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता एमपी जगाल किशोर कने होरे भी बड़े सारे ऑफिसर मौजूद थिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कने श्री मनोज सिन्हा मिलता पीएम सवा निधि पीएमई जीपी जरे स्कीम द्वारा लोरे स्टॉलन केरे भी दौरे किए। भारत रे प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रे डीएसपी श्री अमन कुमार ठाकुर शौर्य चक्र दितो। प्रेसिडेंट जो की तनी मिलिटेंटन से लड़ने में बड़ी बहादुरी हिम्मत रो रही थी देखने अपने देश रे ले शहीद भेजो रहे थे तले ले तैनन शौर्य चक्र मिलो। रोड ट्रांसपोर्ट देखने नेशनल हाईवे रे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी 24 नवंबर जम्मू कश्मीर रे दौरे पर एजने हैं। असेरे अलावा डोडो डिस्ट्रिक्ट में लेता पंजी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट भी रख ले। कने गडकरी 24 नवंबर रे दिल्ली वापस गए सकतन। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो की सरकार जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीरी डेवलपमेंट दिखाने लोगों के लिए ज्यादा सुविधा रे लिए टैक्स रो एक पैसरो इस्तेमाल बोए। नेशनल कॉन्फ्रेंस रे वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जो की आ स्लोग अप लोगन के अधिकार ले शांति साथ ही लड़ ले। असेरे अलावा जो की कानूनी दिखाने राजनीतिक रूप से अपने अधिकार तो अपने जी अपने स्ट्रगल एंसरे करते राले कने तनी जो की एनसी तैयार है जम्मू कश्मीर रे लोगन के रे चुनौती कर सामनो करने जई। अन्य समाचार साथ ही मेरी थी इजाजत तो जरूरत लोकल रिपोर्ट के साथ ही धन्यवाद। नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द लोकल रिपोर्ट पे। मैं हूँ मीनाक्षी गोड़िया। तो आइए नजर डालते हैं आज के हिंदी समाचारों पे। निर्मला सीतारमण ने जम्मू में विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के डीएसपी श्री अमन कुमार ठाकुर को शौर्य चक्र प्रदान किया। नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। दौरा में सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए टैक्स के एक एक पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा एलजी मनोज सिन्हा। लोगों के अधिकारों के लिए शांति से लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। अब समाचार सुनिए विस्तार से। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू के बैंकों में विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं जैसी तेजस्वनी हौसला शिखर और शिकारा योजनाओं का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री ने शोफी और बारामूला में आरएससीटीआई भवन की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य सचिव अरुण मेहता सांसद जुगल किशोर राणा ने संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के पुलिस उपाधीक्षक श्री अमन कुमार ठाकुर को शौर्य चक्र प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने आतंकवादियों से लड़ने में असाधारण और विशिष्ट बहादुरी कच्चा साहस अत्यंत संपन्न और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 24 नवंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और डोडा जिले में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। जम्मू प्रांत में 25 सड़क परियोजनाएं गिरती हैं। गडकरी के 24 नवंबर को ही न्यू दिल्ली लौटने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एकत्र किए गए एक एक पैसा जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह क्षेत्र के विकास और लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए रूप में भुगतान किए जाने वाले सभी धन का उपयोग करें।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सभी शांतिपूर्वक तरीकों में जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बात की। अब्दुल्ला ने कहा कि हम संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों को बहाल करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि नेकां जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अब इन्हीं समाचारों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए द लोकल रिपोर्ट। धन्यवाद।